टेक्निकल मुरली चैनल में आपका स्वागत है। हाय दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आज यह बताऊंगा कि यूनिवर्सल बोर्ड एलईडी टीवी में किस तरह से लगाएं, वो भी एकदम कम समय में। तो मेरे पास ये यूनिवर्सल बोर्ड है जो इसकी आईसी है V56। तो ये V56 का बोर्ड है, तो इसे हम लगाएंगे। तो पहले आप इसके कनेक्टर समझ लीजिए। ये अपना कीपैड और सेंसर के लिए कनेक्टर है, एलईडी इंडिकेटर और कीपैड के लिए कनेक्टर है, और ये 12 वोल्ट इन है, और ये अपना बैकलाइट ड्राइवर के लिए, और ये स्पीकर के लिए कनेक्टर है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये कनेक्टर हम लगा देते हैं इसमें कीपैड का। और दोस्तों ये हमारा पैनल है जो देख रहे हैं, 19 इंच का पैनल है, इसके अंदर हम लोग सेट करेंगे। तो कैसे सेट करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये LVDS कनेक्टर है, तो हमें ये ड्राइवर LED ड्राइवर बैकलाइट ड्राइवर है, तो ये बैकलाइट ड्राइवर को हम कनेक्ट कर देते हैं इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों हमको करना क्या है, उसके बाद हमको सप्लाई चेक करना है, सप्लाई पिन किस पिन पे है कनेक्टर के। तो हमको सप्लाई इस पिन पे सीधे मिल रही है, ए साइड में मिल रही है, और इस बोर्ड में भी ए साइड में सप्लाई है। ये एरो देख रहे हैं आप, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एरो देख रहे हैं आप। इस एरो का मतलब है कि सप्लाई पिन इस साइड से शुरू हो रही है। तो हमारी ये दो पिन हो गई सप्लाई की, ये तीन पिन सप्लाई की हो गई, फिर उसके बाद एक ग्राउंड है। ओके दोस्तों, उसके बाद तीन पिन सप्लाई की है, तीन पिन ग्राउंड है, उसके बाद RX 0 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस, उसके बाद ग्राउंड है, पिन 3 माइनस 3 प्लस, फिर क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस। इस तरह से पैनल के डेटा के पिन हैं। इसके बाद हम पैनल के डेटा को चेक करेंगे, डेटा शीट निकालेंगे पैनल का, जिसमें हमको पता चलेगा पैनल का रेजुलेशन क्या है और पैनल का वोल्टेज क्या है। तो पैनल का डेटा तो मैंने निकाल लिया है दोस्तों, और पैनल का वोल्टेज भी मुझे मिल गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पैनल में हम लोग इसको फिट करने जा रहे हैं, ये पैनल 5 वोल्ट का है। तो ये आप जम्फर देख रहे हैं, यहाँ पे जम्फर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3.3 वोल्ट। तो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके फ्रेंड, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे चिमटी की मदद से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ है, आप ये दिख रहे हैं। तो ये जम्फर 12 वोल्ट के हैं, और ये जम्फर 5 वोल्ट का है, और ये जम्फर 3.3 वोल्ट का है। तो दोस्तों हमारा पैनल है 5 वोल्ट का, तो हमें ये जो जम्फर है इसे हमें डालना है 5 वोल्ट में। ये देखिए ये जम्फर को डालना है 5 वोल्ट में, हमने डाल दिया। तो दोस्तों अभी ये ठीक से लगा नहीं है, मैं इसको ठीक से लगा लेता हूँ। ये जम्फर 5 वोल्ट में लग गया है, तो हमें यहाँ पे सप्लाई 5 वोल्ट मिलेगी। पैनल की जो सप्लाई जा रही है 5 वोल्ट, क्योंकि पैनल 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो इसलिए 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से जाएगी। अगर आपका पैनल के डेटा शीट में 12 वोल्ट है, तो आप इस जम्फर को यहाँ पे लगाइए। पैनल के डेटा शीट में आपका पैनल 3.3 वोल्ट का है, तो इसे निकाल के आप 3.3 वोल्ट में लगा दीजिए। हमको ध्यान देना है कि पैनल कितने वोल्टेज का है और पैनल का रेजुलेशन क्या है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा पैनल का रेजुलेशन कैसे सेट करना है इस बोर्ड में। ये बोर्ड में जम्फर से ही रेजुलेशन सेट करते हैं, मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको, लेकिन पहले इसमें आप समझ लीजिए कि ये जो सप्लाई का है ये इम्पोर्टेंट है। अगर 5 वोल्ट के पैनल में आपने 12 वोल्ट दे दिया, तो आपका पैनल जो डीसी टू डीसी आईसी है
वो जल सकती है, इसलिए आपको केयरफुली ध्यान देना है डेटा शीट निकाल के कि आपका पैनल कितने वोल्ट का है, उसके हिसाब से आपको इस जम्पर को लगाना है। तो इसको हम नॉर्मली लगा देते हैं LVDS को, यहाँ पे नॉर्मली LVDS को लगा दिया है हमने दोस्तों। फिर इसके बाद हमको देखना है कि इस पैनल का रेजोनेशन क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैनल का रेजोनेशन चेक करने के लिए ये जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है इस नंबर से हमको गूगल पे जाके उसका रेजोल्यूशन चेक करना पड़ेगा। तो रेजोल्यूशन कैसे चेक करना है मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ फिलहाल। ओके फ्रेंड्स, हमको इस मॉडल नंबर से सर्च करना है और ढूंढना है डेटा शीट इस पैनल का, तो सर्च करते हैं आइए। पैनल पे जो हमने देखा था कोड, उस कोड को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जो मॉडल नंबर था वो M190EN04। उसके बाद सर्च करेंगे इसे। ओके फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं कि जो पहला आया है M190EN04V5, इसे क्लिक करेंगे। आ गया है हमारा डेटा शीट। आप देख रहे हैं जो इसमें दिखा रहा है डेटा शीट, तो ये डेटा शीट में आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन भी दिखा रहा है, वोल्टेज भी दिखा रहा है, बाकी सब भी डेटा शीट आ चुके हैं। तो हमें सिर्फ देखना है रेजोल्यूशन और वोल्टेज, दो चीज़ देखना है, और उसके बाद इसको बंद करके रख देना है। वीडियो का रेजोल्यूशन मैंने चेक कर लिया है, और आप देख रहे हैं बोर्ड के पीछे रेजोल्यूशन के हिसाब से पिन किधर डालना है उसमें दिया है। तो इस पैनल का रेजोल्यूशन है, बारह सौ अस्सी 1024। पांच नंबर का डेटा देख रहे हैं, 1280x1024 इस पैनल का रेजोल्यूशन है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर, ये देखिए यहाँ पे दो डॉट दिया हुआ है, जो दिया हुआ है एक ए नंबर में दिया हुआ है और एफ नंबर में दिया है। तो ये रेजोल्यूशन का हमको कनेक्शन समझ में आ गया, तो हम आएंगे यहाँ पे कनेक्शन देखने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये जम्पर जो है, ये जम्पर मैंने ए नंबर, ये देखिए ये जो देख रहे हैं ए नंबर लिखा हुआ, पहला ए नंबर है, ए नंबर में डाल दिया, फिर BCDEF दोस्तों, ये देखिए ये दूसरा कनेक्टर मैंने एफ नंबर में डाल दिया। इस बोर्ड में रेजोल्यूशन सेट हो गया है इस पैनल के हिसाब से। अब हम बोर्ड चालू करके देखेंगे, इसके लिए हमको सप्लाई की ज़रूरत है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, मैं इसको इन करता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, स्विच ऑन हो गया, इसको स्टैंड बाय से निकालते हैं। ओके, स्टैंड बाय से हमने निकाल दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं पैनल पे लाइट आ चुकी है यहाँ पे, तो हम पैनल पे देखते हैं पिक्चर आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके फ्रेंड्स, ये सेट हो चुका है, पिक्चर आ चुकी है पैनल पे। इसमें हम एक पिक्चर चेक कर लेते हैं नॉर्मली पेन ड्राइव लगा के। तो ये हमारा पेन ड्राइव है जो हमने इसे लगा दिया, और एक पिक्चर चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसका रिमोट को मिल गया है ना, वीडियो में दिखाओ बराबर। ओके दोस्तों, आप देख रहे हैं कि रिमोट वगैरह सब वर्क कर रहा है अच्छे से। अगर मैं कोई वीडियो चालू करता हूँ तो वीडियो कॉपीराइट आएगा, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं बाकी सब ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ। सब नॉर्मली चल रहा है, देख रहे हैं मैं वॉल्यूम का बटन दबा रहा हूँ, सब नॉर्मली चल रहा है। अगर दोस्तों आपको पैनल सेटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए मैंने इसका
ऑफ कर देता हूँ इसे, और ऑफ करने के लिए मान लीजिए मैं एक गलत रेजोल्यूशन सेट करता हूँ, जैसे कि मैंने इस पैनल के हिसाब से रेजोल्यूशन नहीं सेट किया है, ए और बी में डाल दिया है। ए और बी में रेजोल्यूशन क्या है देख लीजिए आप, ए और बी में रेजोल्यूशन है 1920x1080। तो 1920x1080 का रेजोल्यूशन में मैंने सेट कर दिया है, तो इस समय पिक्चर कैसा बनेगा मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर सेट करते टाइम अगर पिक्चर कुछ अगर गलत बने तो आप समझ लीजिए कि आपका रेजोल्यूशन बार बार अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ है, नहीं तो बहुत लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि पिक्चर कैसा आ रहा है। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो इमेज है इस साइड में भाग गया है, देख रहे हैं आप इमेज इस साइड में भाग गया है, और मतलब बहुत ये बढ़ के आ रहा है, मतलब इस साइड में भाग के पिक्चर आ रहा है। अभी नॉर्मल इमेज आप देखिए, मैं रेजोल्यूशन सेट कर रहा हूँ सही जगह पे, ऐसा भी फॉल्ट आ सकता है। एक दूसरा गलत रेजोल्यूशन में सेट कर देता हूँ फिर से, एक बार देखिए आप, इसे मैं एक और गलत रेजोल्यूशन सेट कर दिया हूँ, तो आप इस गलत रेजोल्यूशन पर पिक्चर देख लीजिए एक बार कैसा हो क्या हो रहा है। मैं इसको ऑन करता हूँ, दोस्तों देखिए कैसा पिक्चर बन रहा है। दोस्तों ऐसा अगर बोर्ड सेट करते टाइम आपको ऐसा पिक्चर बनता है तो आप समझ लीजिए कि मेरा रेजोल्यूशन अच्छे तरह से सेट नहीं है, तो उसको आप गूगल पे जाके पैनल का रेजोल्यूशन चेक कर लीजिए कितना है, और मैं इसको सही रेजोल्यूशन में सेट कर दिया हूँ। और इस टाइम का डेटा आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले रेजोल्यूशन मैंने दिखाया था कि ये पिक्चर इधर अंदर भाग गया था। तो अगर ऐसा इमेज आपके टीवी पे कुछ बनता है तो आप समझ लीजिए कि मेरे पैनल के हिसाब से रेजोल्यूशन सेट नहीं है, इसलिए ऐसा पिक्चर बन रहा है। तो नॉर्मली आप सही रेजोल्यूशन सेट कीजिए और आपका बोर्ड अच्छी तरह से बैठ जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल पाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।